फ्रेंड्स, आई एम शबनम, वेलकम टू माई चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं ये लेके आई हूँ मफलर विद हुड। जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही है स्टार्टिंग में, तो उसके लिए ये दो मफलर रेडी करेंगे। उसके बाद हम ये देखिए कैप बनाएंगे इस तरह से। ये लेडी साइज है और इसके लिए मैं ये वूल यूज़ करूँगी, बेबी वूल है, और 10 नंबर नीडल्स का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स देखिए 10 नंबर नीडल्स, और आज हम इस वीडियो में इसे बनाना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप विद मेजरमेंट कि इसे कैसे बनाते हैं। अगर फ्रेंड्स आप ये वूल किसी भी तरह की या वूल से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो या देखना चाहते हो, तो जो नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है उस नंबर पर जाकर के आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप मैसेज करने पर आपके सामने लिस्ट ओपन होगी और आप उसे देख सकते हो। तो चलिए करिए स्टार्ट इसे। फ्रेंड्स, मफलर विद हुड अब स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो उसके पहले हम मफलर बनाएंगे, और मफलर के लिए मैंने यहाँ पर लिए 27 स्टिचेस और ये 4 स्ट्राइप्स, 8 रोज का मैंने बॉर्डर बनाया। देखिए 1, 2, 3, 4, तो ये मैंने 4 स्ट्राइप्स बनाई है, मींस 8 रोज हमारी बन गई। और यहाँ पर 27 स्टिचेस हैं, और हम यहाँ पर डालेंगे पैटर्न। और जो पैटर्न डालने जा रहे हैं उसके लिए स्टिचेस चाहिए मल्टीपल ऑफ 6 + 1, और जो पैटर्न डालेंगे ये 4 रोज का पैटर्न है। तो जो हमें चाहिए स्टिचेस, तो 6 × 18 + 1 = 19 स्टिचेस हम पैटर्न के लिए यूज़ करेंगे। 27 - 19 जो रह गए 8 स्टिचेस, 8 में से 4 हम इधर पट्टी बनाएंगे, 4 स्टिचेस की इधर पट्टी बनाएंगे। तो वो हमारी पट्टी इसी तरह गार्टर स्टिच की चलेगी। तो पहले हम 4 स्टिचेस बनाते हैं उल्टे, ये हमारे दोनों तरफ से उल्टे चलते जाएंगे। उसके बाद हम ये पैटर्न स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट रो ऑफ पैटर्न। तो ये रो पूरी सीधी बनेगी, निट ऑल द स्टिचेस। फ्रेंड्स, ये 4 रोज का पैटर्न है, लेकिन 3 रोज तो सीधी उल्टी ही बननी है, सिर्फ 1/3 रो पर ही पैटर्न बनेगा। इसलिए ये पैटर्न बहुत इजी है। ये हमारा मफलर विद हुड बहुत जल्दी बन करके रेडी होगा। तो ये हम पूरे स्टिचेस सीधे डालेंगे, और लास्ट 4 स्टिचेस जो हैं ये हम उल्टे बनाएंगे। ये लास्ट और फर्स्ट 4 स्टिचेस हमारे दोनों तरफ से उल्टे चलेंगे। तो अब हमारी है सेकंड रो रॉन्ग साइड से। तो रॉन्ग साइड से ये पूरी रो हमारी उल्टी बनेगी, क्योंकि पट्टी वाले स्टिचेस भी हमने दोनों साइड से उल्टे बनाने हैं, और बीच वाले स्टिचेस भी हमारे उल्टे बनेंगे। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब हमारी राइट साइड से थर्ड रो है। फर्स्ट 4 स्टिचेस तो हम सीधे ही बनाएंगे, सॉरी उल्टे बनाएंगे, पर 4। अब हमारी पैटर्न की रो है, तो हमारा एक ही रो में पैटर्न बनना है। तो देखिए 1 स्टिच सीधा बनाएंगे, उसके बाद हम इस तरह से थ्रेड लाएंगे आगे, क्योंकि हमने उल्टा स्टिच बनाना है। फिर इसको इस तरह से घुमा देंगे यार्न ओवर, यहाँ पर हमने होल बनानी है। और अब 1 स्टिच उल्टा, फिर 3 फंदों का 1 इस तरह से आगे से लेंगे, पर्ल 3 टुगेदर, 3 का 1 बनाया, और फिर 1 स्टिच उल्टा। अब हमारे यहाँ पर 2 फंदे कम हो गए, और अब हमने ये फंदा सीधा बनाना और यहाँ पर हमने होल बनाना है। तो अब हम यार्न ओवर करना है, तो इसलिए इस थ्रेड को आगे ही रहने देंगे और इस फंदे को सीधा बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो है ये 6 स्टिचेस का जो पैटर्न है वो ओवर होता है यार्न ओवर तक। यहाँ तक हमारे 6 स्टिचेस का पैटर्न जो है ओवर हुआ। अब हमारा देखिए यहाँ पर एक होल बन गया, एक होल यहाँ पर बन गया, और यहाँ पर 3 का 1 हो गया, 2 स्टिच कम हो गए, यहाँ पर 2 स्टिच जो है हमारे बढ़ गए। अब देखिए ये हमारा सेकंड पैटर्न यहीं से स्टार्ट होगा, ये यार्न ओवर पे फर्स्ट पैटर्न ओवर हुआ, एक फंदा सीधा हो गया। अब उसके बाद हमने यहाँ पर यार्न ओवर किया था, तो फिर थ्रेड को आगे लाएंगे, इस तरह से घुमाएंगे, क्योंकि हमने स्टिच उल्टा बनाना है। तो ये एक फंदा उल्टा, पर्ल 1, यार्न ओवर, पर्ल 1,
नाउ पर्ल थ्री टुगेदर, तीन फंदों का एक उल्टा, फिर पर्ल वन एक फंदा उल्टा, फिर थ्रेड को आगे जाने देंगे और इसको सीधा बनाएंगे तो यहाँ पर हमारा होल बन जाएगा। उसके बाद थ्रेड आगे लाएंगे, इसको इस तरह से घुमाएंगे, फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर तीन फंदों का एक करेंगे और फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे और अब हमारा ये थ्रेड आगे रहेगा और लास्ट में ये हमारा एक फंदा सीधा आ गया। यार्न ओवर पे हमारा पैटर्न ओवर होता है और लास्ट में हमारा एक फंदा सीधा, और ये हमारे लास्ट वाले जो फोर स्टिचेस हैं ये हमारे उल्टे आएंगे। अब हमारी है रॉन्ग साइड से फोर्थ रो एंड लास्ट रो ऑफ द पैटर्न, तो ये सारे स्टिचेस उल्टे बनाएंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस, ये सारी सिलाई मैं उल्टी बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये पैटर्न हमारा इस तरह बन रहा है और ये छोटा छोटा सा पैटर्न बहुत अच्छा लगता है। अब इसी तरह हमारी जो ये लेंथ है हम इसकी बनाते जाएंगे, तो मैं इसकी लेंथ कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मफलर की साइड मैंने रेडी कर ली और ये मैंने बनाई है 16 इंचज़। इसी तरह हमने उतने ही स्टिचेज डाल करके ये दूसरा मफलर बनाया है दूसरी साइड का, और इसकी जो लेंथ है ये हमने बनाई है 38 इंचज़। अब हम रेडी करेंगे अपनी कैप, कैप बनाएंगे। अब ये कैप बना रही हूँ मैं, इसके लिए हमने स्टिचेज लिए 112 और 112 स्टिचेज लेकर के हमने 2x2 का बॉर्डर बनाया है, दो फंदे उल्टे दो फंदे सीधे, नेट 2 पर 2 का बॉर्डर बनाया है। और अब बॉर्डर देखते हैं हमने, ये हमारा जो बॉर्डर है ये देखिए 4 इंच बॉर्डर है। और अब हम ऊपर से पैटर्न स्टार्ट करेंगे और ये जो हमारी राइट साइड है ये हम जो पैटर्न स्टार्ट करना है वो इसकी रॉन्ग साइड स्टार्ट करना है, क्योंकि जब हम कैप हम लेंगे तो यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये किनारी हमारी सीधी आएगी, ये सीधी साइड बन जाएगी और ऊपर से अब ये उल्टी साइड से हम सीधा पैटर्न जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये पैटर्न हमने वो ही बनाना है जो हमने मफलर में बनाया है। उस पैटर्न के लिए हमें स्टिचेज चाहिए मल्टीपल ऑफ 4, 6+1। तो उस तरह से हमारे पास ये पैटर्न सेट करने के लिए हमें 3 स्टिचेज और चाहिए, तो 3 स्टिचेज जो है हम बढ़ा लेंगे अब इस फर्स्ट रो पे जो पैटर्न की डालेंगे। और ये पैटर्न जो है 4 रोज का पैटर्न है, तो ये उल्टी साइड से हम सीधी रो बनाएंगे पैटर्न की फर्स्ट रो, जिसमें हमने 3 स्टिचेस भी इंक्रीज करने हैं, और ये फर्स्ट रो पूरी सीधी स्टिचेस बनाएंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस, सॉरी नेट ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे हम सीधे बनाएंगे, सीधे स्टिचेस बना करके ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। सेकेंड रो रॉन्ग साइड से ये पूरे स्टिचेस हम उल्टे बनाएंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस। फ्रेंड्स ये सीधी रो पे फर्स्ट रो पे मैंने 3 स्टिचेस बढ़ा लिए हैं और ये सारे फंदे उल्टे बना करके ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ रो। अब हमारी थर्ड रो राइट साइड से फर्स्ट स्टिच सीधा बनाएंगे, नेट 1 यार्न ओवर, आगे लाएंगे थ्रेड को फिर इस तरह से रैप करेंगे क्योंकि हमने स्टिच उल्टा बनाना है, यार्न ओवर पर्ल 1 पर्ल 3 टुगेदर, इस तरह से 3 फंदों का एक करेंगे, पर्ल 1 यार्न ओवर, आगे सीधा फंदा बनाना है, इसको हम धागे को आगे जाने देंगे थ्रेड को, तो अब देखिए ये सीधा बनाएंगे तो इस तरह से हमारा होल बन जाएगा ये। हम तो ये 6 स्टिचेस का पैटर्न है, यहाँ तक हमारा पैटर्न ओवर होता है यार्न ओवर तक। अब अगेन थ्रेड इस तरह से रैप करेंगे और पर्ल 1 पर्ल 3 टुगेदर पर्ल 1 यार्न ओवर नेट 1 यार्न ओवर पर्ल 1 पर्ल 3 टुगेदर पर्ल 1 यार्न ओवर
नीट वन, इसी तरह हम अपनी रो कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब थर्ड रो के एंड में है, तो यहाँ पर मैंने एक फंदा उल्टा बनाया है। यार्न ओवर करने के बाद अब तीन फंदों का एक करेंगे, पर्ल थ्री टुगेदर और एक फंदा उल्टा, पर्ल वन, यार्न ओवर, निट वन। अब हमारी है फोर्थ एंड लास्ट रो ऑफ द पैटर्न, तो ये जो रो है पूरी उल्टी बनेगी, सारे स्टिचेस हम उल्टे बनाएंगे, पर ऑल द स्टिचेस। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए ये मैंने कैसे छोड़े हैं स्टिचेस, मार्कर कैसे लगाए हैं। पहले हमारे ये 15 स्टिचेस हैं, 15 स्टिचेस छोड़ करके मार्कर लगाया है, फिर 27 स्टिचेस। यहाँ पर हम मफलर अटैच करेंगे और ये हमारे फ्रंट साइड के हैं 31 और ये 27, यहाँ पर फिर मफलर अटैच करेंगे और ये हमारे 15 हैं। जब हम स्टिच करेंगे 15 ये और 15 ये, यहाँ पर भी हमारे 30 हो जाएंगे। तो पहले 15 स्टिचेस हम अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाएंगे, जो भी आप पैटर्न डाल रहे हो। तो मैं यहाँ पर जो पैटर्न डाल रही हूँ उस पैटर्न की ये फर्स्ट रो है, तो ये रो सीधी ही बनानी है, तो ये 15 स्टिचेस भी सीधे ही बनाएंगे। तो ये निट 15, ये हमने मार्कर तक बना लेने हैं स्टिचेस। टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन और 15, तो इस मार्कर को अब हम निकाल देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, मफलर को कैसे अटैच करना है। ये मफलर की राइट साइड है और ये हमारी कैप की, देखिए ये रॉन्ग साइड है, जो यहाँ से हम बना रहे हैं तो ये रॉन्ग साइड है, तो इसकी राइट साइड इस तरह से अटैच करेंगे हम। यहाँ पर ये राइट साइड, ये कैप की रॉन्ग साइड है, तो इन दोनों को इस तरह से अटैच करेंगे और अब हम ये दो दो स्टिचेस का एक करते जाएंगे। तो ये भी हम अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा जो रो है पैटर्न की वो सीधी बननी है, इसलिए हम ये दो दो स्टिचेस लेकर के सीधा बनाते जाएंगे। एक स्टिच इधर से लेंगे, एक स्टिच इधर से लेंगे, तो ये इस तरह से बना देंगे। देखिए इस तरह से एक स्टिच ये लेंगे, एक ये लेंगे और इस तरह से दो का एक कर देंगे। अगर हमने सीधे उल्टे स्टिचेस कोई भी पैटर्न बनाना तो हम उसी तरह ही बना लेंगे। तो ये मैं इतना बना लेती हूँ, ये मफलर अटैच कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अटैच कर लिया, ये लास्ट स्टिच रह गया, तो इसको भी हम ऐसे ही दो का एक कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए ये मार्कर तक हमारे स्टिच कंप्लीट हो गए। और ये अब ये वाले स्टिचेज जो है ये हम सीधे बना लेंगे यहाँ तक, ये हमारे 31 स्टिचेज हैं, इन्हें हम सीधा बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मार्कर तक हमने सीधे बनानी है, तो ये हमारे स्टिच सीधे बन गए। अब हम दूसरा मफलर अटैच करेंगे, उसको भी हम, ये हमारी रॉन्ग साइड है कैप की और इसकी राइट साइड, इन दोनों को इस तरह से अटैच करेंगे। देखिए ये राइट साइड और ये कैप की रॉन्ग साइड, इन दोनों को हम इस तरह से अटैच करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट किया वैसे ही करेंगे। एक स्टिच ये लेंगे, फिर ये वाला स्टिच लेंगे, दोनों का एक कर देंगे, नीट टू टुगेदर। एक स्टिच कैप का, एक स्टिच मफलर का, इन दोनों को लेकर के दोनों का एक कर देंगे सीधा। तो इसी तरह हम ये अपने स्टिच
सारे बना लेंगे। एक दोनों तरफ से वन वन स्टिच लेके दो का एक करेंगे, नीट टू टुगेदर दोनों को एक करना है। हमने स्टिच सीधा बनाना है क्योंकि हमारी रोज सीधी बन रही है। तो ये मार्कर तक मैं बना लेती हूँ। देखिए ये सारा जो मफलर है ये अटैच हो गया, और अब इस मार्कर को हम निकाल देंगे और ये वाले जो स्टिच रह गए इन्हें भी हम सीधा बना लेंगे। तो ये हमारे स्टिचेस 3, 6, 9, 12 और 15 15 स्टिचेस उधर छोड़े थे स्टार्टिंग में, 15 स्टिचेस हमारे एंड में हैं, तो ये हम सीधे बनाएंगे। निट 15, ये सारे स्टिचेस सीधे बना देंगे और देखिए इस तरह से हमारा मफलर जो है दोनों पीस जो हैं ये अटैच हो गए हैं। और अब हमने यहाँ से बस उल्टी सिलाई बनाएंगे और अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग हम बनाते जाएंगे इसे आगे, और हम अपनी रिक्वायर्ड लेंथ बना करके फिर मैं आपको दिखलाती हूँ। फ्रेंड देखिए इतनी ये कैप की लेंथ जो है बन गई है, और ये पैटर्न काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 पैटर्न जो बन चुके हैं। ऊपर मैंने सीधी उल्टी जो है वो भी रो बना दी है। और अब हम मेजर कर लेते हैं इसे, और मेजर हम करेंगे इससे डबल कर लेंगे बॉर्डर को, ये हमारे जो मफलर अटैच किए हुए हैं, और यहाँ से हम इसको इस तरह से मेज़र करेंगे। तो ये हमारा देखिए ये 7 इंच जो है ये बन गई है, और थोड़ा ऊपर से भी हमारा 2 इंच के करीब बनेगा। अब हम इसकी डिक्रीजिंग करेंगे। डिक्रीजिंग के लिए देखिए मैंने स्टिचेस डिवाइड कर रखे हैं, तो हमारे पास टोटल स्टिचेस जो थे वो 115 स्टिचेस, 115 जो फंदे थे, उसमें से 4 जगह हम डिक्रीजिंग करेंगे। 4 जगह हम डिक्रीजिंग करेंगे तो 4 स्टिच हमने वो माइनस कर दिए, तो हमारे पास रह गए 111 फंदे, और 111 फंदे को हमने 1, 2, 3, 4, 5 जगह डिवाइड किया। तो ये वाले जो फंदे हैं ये हम इतने ही रखेंगे टोटल, ये वाले प्लस ये वाले इज इक्वल टू दिस वन, क्योंकि जब हम इस कैप को स्टिच करेंगे तो ये हमारे फंदे जो हैं इतने ही बन जाएंगे। तो अब हमने 111 फंदे को जो डिवाइड किया है, 14 फंदे हम यहाँ रखेंगे, 28, 28, 28 और यहाँ पर आएंगे हमारे 13, 14, 28, 28, 28 और यहाँ पर रह जाएंगे 13, और ये दोनों पिंस के बीच में एक एक स्टिच मैंने छोड़ रखा है। 4 स्टिच हमारे ये हैं, ये 2 पिंस के बीच में हमारा एक एक स्टिच है। यहाँ पर हम अपनी वो 3 का 1 करते जाएंगे तो वो एक चेन बनती जाएगी, बीच वाले स्टिचेज जो है ये हम उल्टे डालेंगे। अब हम इसे करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट तो हम ये स्टिचेज जो हैं उल्टे डालेंगे। यहाँ पर हमने 14 स्टिचेस छोड़े हुए हैं, तो देखिए अब हम 13 स्टिचेस बनाएंगे। हमने यहाँ पर हमने ये मार्कर लगाया है, एक स्टिच पहले छोड़ लेना है, एक स्टिच दोनों मार्कर के बीच में है, एक स्टिच हम इधर से लेंगे और इस तरह से हम इन 3 का 1 कर देंगे। तो देखिए अब हम ये मार्कर जो है ये निकाल देंगे, इसको भी हम निकाल देंगे, और अब इन 3 स्टिचेस का 1 करेंगे। अब इसके लिए हम जो बीच वाला स्टिच है इसे आगे लाएंगे, इस तरह से डाल देंगे और इस तरह से 3 का 1 कर देंगे, नीट 3 टुगेदर।
अब हम फिर यहाँ तक उल्टे स्टिचेस बनाएंगे। इस मार्कर से पहले एक स्टिच रह जाए तब तक हम ये उल्टे स्टिचेस बना देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास थे 28, एक हमने इधर ले लिया, एक उधर लेंगे, तो अब हमारे पास ये 26 रह जाएंगे। तो 26 स्टिचेस हम उल्टे बना लेंगे। अब देखिए मार्कर से पहले एक स्टिच रह गया हमारे पास, और यहाँ पर हमने तीन का एक किया था, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 स्टिचेस हमारे उल्टे बन गए। और अब हम ये वाले स्टिच जो है इन तीन का एक कर देंगे, इनको निकाल देंगे, और अब इस स्टिच को आगे लाएंगे और इस तरह से डालेंगे और पीछे से तीन का एक करेंगे, नीट थ्री टुगेदर। नाउ अगेन पर 26, 26 फंदे हम उल्टे डालेंगे। तो ये मार्कर से एक स्टिच पहले हम छोड़ लेंगे, बाकी सारे स्टिचेस उल्टे बना लेंगे। देखिए 26 स्टिचेस ये उल्टे बना लिए, 26, 26 फंदे, और अब हम एक फंदा रह गया और एक फंदा बीच वाला, एक फंदा हम उस साइड से लेंगे और अब हम तीन का एक कर देंगे। ये वाला फंदा आगे लाएंगे, इसको इस तरह से पलटा करके थ्रेड पीछे लेके जाएंगे और तीन का एक कर देंगे। और अब हम 26 स्टिचेस उल्टे बनाएंगे, पर्ल 26, 26 फंदे उल्टे बना लेंगे। अब देखिए 26 स्टिचेस उल्टे बना लिए, और अब हमारे पास ये रह गया मार्कर से पहले का एक स्टिच। अब मार्कर निकाल देंगे और ये हमारा सेंटर वाला फंदा, अब ये मार्कर भी निकाल देंगे, और अब हम एक स्टिच इधर से लेंगे और अब बीच वाले फंदे को आगे लाएंगे और ये तीन फंदों का इस तरह से एक कर देंगे। और अब हमारे पास रह गए 13 स्टिचेस थे, 12 रह जाएंगे, 4, 8 और 12, ये 12 स्टिचेस हम उल्टे बना देंगे। अब हमारी है रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड पर हमने कोई भी जो डिक्रीजिंग नहीं करनी, रॉन्ग साइड से हमारी पूरी रो उल्टी बनेगी, पर ऑल द स्टिचेस। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब हम आगे राइट साइड, तो यहाँ पर हमने पहले 13 स्टिचेस बनाए थे, 14 छोड़े थे, फिर तीन का एक किया, तो हमारे पास 13 स्टिचेस थे उल्टे, और अब हम 12 स्टिचेस बनाएंगे, पर 12 स्टिचेस। अब हमारे 4, 8 और 12 हो गए। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा इस तरह से ये चेन चलती जाएगी हमारी, और एक चेन से एक इधर का स्टिच लेंगे, एक इस साइड का लेंगे और हम तीन का एक करेंगे। अब ये चेन वाला स्टिच देखिए, इसको हम आगे ले आएंगे इस तरह से, इसको यहाँ पे डालेंगे और अब तीन का एक कर देंगे, थर्ड पीछे लेके जाएंगे और पीछे से एक कर देंगे। अब हमारे आगे 26 स्टिचेस बनाए थे, अब हम 24 स्टिचेस बनाएंगे। इसी तरह हमारा जो चेन वाला स्टिच है सीधा, उससे पहले एक रह जाएगा और एक हम उसके बाद वाला लेंगे और तीन का एक कर देंगे। देखिए अब हमारे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 स्टिचेस बन गए।
हर रो में ये टू टू स्टिचेस हमारे कम होते जाएंगे, एक इस साइड और एक इस साइड। तो अब पहले 26, फिर 24, फिर 22, फिर 20, इस तरह से हमारे यहाँ पर होते जाएंगे और यहाँ पर हम तीन का एक करते जाएंगे। तो देखिए, एक ये सीधा स्टिच है, इससे पहले का एक और बाद वाले का एक, इस तरह से हम लेंगे, इसको आगे लाएंगे। तो इस तरह से तीन का एक करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हम अपनी रोज़ बनाते जाएंगे जब तक हमारे ये सारे स्टिचेज जो है वो ख़त्म नहीं हो जाते। तो ये मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये हमारा ये बन गया, सारे फंदे जो थे वो डिक्रीज हो गए। हमारे पास लास्ट वो फोर स्टिचेज रह गए जो हम सीधी चेन जिनकी जा रही थी। तो अब हम थ्रेड कट करके इसी थ्रेड को नीडल में डाल लेंगे और इन फंदों को बंद कर देंगे। तो ये मैंने नीडल में डाल लिया थ्रेड। अब देखिए, इधर से हम इस तरह से नीडल में डालेंगे। ये फोर स्टिच हैं हमारे। इस तरह से ये नीडल में ले लेंगे और इसके बाद एक बार हम और यहाँ से निकाल देंगे ताकि ये पक्का हो जाए। तो अब देखिए, पहले हम फर्स्ट वाले थ्रेड को टाइट कर देंगे। तो अब यहाँ से इस तरह से हमारा ये पक्का हो गया। और अब इसके बाद देखिए, इस कैप को इस तरह से हम स्टिच कर देंगे। ये वाला यहाँ से लेकर के ये इस तरह से ये सारा स्टिच कर देंगे। तो ये मैं स्टिच कर लेती हूँ, ये फिर आपको दिखाती हूँ। ये स्टिच आप कैसे भी कर सकते हो, सीधी साइड से भी कर सकते हो, उल्टी साइड से भी कर सकते हो, जैसे आप करना चाहो कर सकते हो। तो ये मैं स्टिच करके आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड देखिए, ये मैंने स्टिच कर ली है, इससे ऊपर से इसकी शेप इस तरह से आई है और ये बॉर्डर जो है ये फोल्ड हो जाएगा। तो इसकी पूरी लुक आपने स्टार्टिंग वीडियो में देख ही ली है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाइए इसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो में।